हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड जो आपकी वैकेंसी निकली है, आपका जो नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट का, आपका जो वैकेंसी है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर, आपका मिनिस्टर स्टाफ की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके नोटिफिकेशन में जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मैं सर जानकारी बताऊंगा, पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आपको हमारे चैनल लर्निंग टाइम के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव डेली अब वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब या अन्य जो फॉरम निकलते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, जो कि साउथ ईस्टर्न इंडिया लिमिटेड की आपकी कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है, ठीक है, जो कि SCL कार्यरत विभागीय कर्मचारी मिनिस्ट्री स्टाफ स्टोर्स पर्सनल मिनिस्ट्री स्टाफ लोडिंग पर्सनल एवं E&M पर्सनल असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर के संबंधित पदों का चयन है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल प्रशिक्षु तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड C की डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसी है, यहाँ पे 96 है, SC की 14 और आपकी ST की 7 है। टोटल आपकी जो जनरल UR कैटेगरी 75 है, स्टोर इश्यू क्लर्क ग्रेड 3 की आपकी 70, यहाँ पे 96 वैकेंसी है। CMC तरीके से आपको वैकेंसी है, असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क ग्रेड 3 की 137 है, 20 SC ST 10 107 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो कि आपके कैडर के स्कीम के अंदर 22/2021 निम्नानुसार आपके अपेक्षित योग्य और अनुभव के पूर्ण करने वाले विभागीय कर्मचारी चयन प्रक्रिया के सम्मिलित हेतु पात्रता रखते हैं। असिस्टेंट फॉर ट्रेडमैन मैकेनिकल NTSN ग्रेड C की डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, 3 साल का कोर्स, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपनी। स्टोर इशू क्लर्क ग्रेड 3 में आपका मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड या एग्जामिनेशन, 3 साल का सर्विस ऑन इन कंपनी। आपका असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क ग्रेड 3 मैट्रिकुलेशन आपका हाई स्कूल पास हो या उसके इक्विवेलेंट एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड एग्जामिनेशन, एनी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, किसी भी आपको परमानेंट हो सकते हैं कंपनी में। आपको प्रारंभिक नियुक्ति से 6 माह का प्रशिक्षण अवधि की सफलता पूर्ण किए जाने के कर्मचारी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के हेतु पात्र होंगे। यहाँ पे चयन हेतु मार्किंग पैटर्न स्टोर इशू क्लर्क ग्रेड 3 असिस्टेंट लोडिंग आपका क्लर्क ग्रेड 3 60 रिटन एग्जाम 60, आपका असिस्टेंट फॉरमैन के आपके देश के 60 यहाँ पे रहेगा, कंप्यूटर प्रोफेशनसी का आपका जो रहेगा 30 आपका, यहाँ पर आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर शू कलर की 10 मार्क आपको लिखे हैं मार्क ऑफ क्वालिफिकेशन, टोटल 100 मार्क्स होंगे यहाँ पे, आप बाकी कोई एप्लीकेबल नहीं है, असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेड के 100 मार्क आपको रिटन टेस्ट के होंगे। स्टोर की बात करें इशू क्लर्क की ग्रेड 3 की, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से कंटेनिंग आपका 60 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनल की आपको देखते हैं 30 मार्क होंगे, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट वो वाली क्वालिफाइड रिटन टेस्ट दिल आप उसको इसके लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे आपको 10 मार्क होंगे आपका आपके हाई स्कूल के मार्क के, इंटरमीडिएट के 6 और ग्रेजुएशन के 8 और PG एंड अबव के 10 रहेंगे। इस तरीके से आपको देंगे, यानी हाई स्कूल के लिए तो 5 रहेंगे, आपने ग्रेजुएशन 6 नंबर मिलेंगे आपको, सॉरी इंटरमीडिएट के तो 6 और ग्रेजुएशन के 8 और PG अबव 10 मिलेंगे। असिस्टेंट फॉरमैन आपके टेक्निक आपका ट्रेनिंग के मैकेनिकल दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर, नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पर। यहाँ पर जनरल कैटेगरी 40% रिटन टेस्ट में, प्रोफेशनल टेस्ट में एप्लीकेबल, SC ST के 35 लेके आने होंगे, ठीक है। आवेदक कर्मचारी की आवश्यक जानकारी के दिशा निर्देश यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इसकी यहाँ पे आपको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, EIS की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक सूची प्रमाण पत्र स्वयं आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तकनीकी योग्यता में आपको प्रमाण पत्र स्वयं आपको अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड होगा। अनुसूचित जनजातियों की यहाँ पे आपको डिटेल है, क्षेत्रीय इकाई क्रमिक विभाग के द्वारा आवेदन घोषित किए जाने पर आवश्यक जानकारी दिशा निर्देश, ठीक है। आवेदन पत्र की सेकंड कॉपी ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, प्राप्त होने की अंतिम तिथि यहाँ पे आपको दे रखा है, हार्ड कॉपी की आपको प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 देखी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक्सेल शीट ईमेल आईडी आपको क्षेत्र द्वारा प्रेषित की जाएगी,
ठीक है। यहाँ पे आप उसके देखते हैं, आवेदक की द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र छाया प्रति संबंधित मूल का मिलान किया जाएगा। बाकी आपकी डिटेल देखते हैं, आवेदन के दर्शाए गए नाम जन्म की पुष्टि की जाएगी। जिन कर्मचारियों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से विभागीय अनुसार से कार्य लंबित है उनको चयन हेतु के पात्र नियम है। बाकी आपकी डिटेल आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो मेन मेन महत्वपूर्ण डिटेल थी मैंने बता दी है। यहाँ पे आपके जो ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है। यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है, पूरा नाम, पिता या पति का नाम, पद का नाम, जन्मतिथि, जन्मतिथि शब्दों में, नियुक्ति तिथि, NIS की संख्या, या बाकी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके इस फॉर्म को फिल करके भेज कर भेजना होगा। ठीक है, कार्यकालीन में उपयोग के लिए आपको यहाँ पे इसके बारे में परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसके बारे में आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो आपकी जो वैकेंसी थी जो कि आपकी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की थी, फोरमैन ट्रेडमैन की वैकेंसी थी। अगर वीडियो तो फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, लाइक शेयर करें, ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और वीडियो देखने